हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आपके हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए राजस्थान से निकली हुई भर्तियों के बारे में बात करने वाला हूँ, खासकर उन स्टूडेंटों के लिए जो राजस्थान से हैं और राजस्थान की तैयारी कर रहे हैं। तो दोस्तों, आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छी खबर है, राजस्थान सरकार ने काफ़ी अच्छी भर्तियाँ निकाली है। जैसे हम बात करें तो दोस्तों, आप लोगों के लिए एक एक भर्तियों की तो काफ़ी अटकी हुई भर्तियाँ भी निकल के सामने आ चुकी है। और रोडवेज विभाग की बात करें तो दोस्तों, रोडवेज विभाग की करीबन 6 साल से कोई वैकेंसी नहीं आई है। तो इसके बारे में अभी तक कोई पब्लिक ही चर्चा नहीं हुई है, लेकिन इस बार इसके चांस बढ़ रहे हैं और इसके आवेदन प्रक्रिया बहुत जल्दी शुरू होने वाली है और इसके ऊपर में हम काफ़ी खुल के विचार करेंगे। जैसे कि 2 वर्ष पहले से ही पटवारियों की भर्ती की बात हुई थी, तो पटवारियों की भर्ती अब ऑनलाइन होना शुरू हो चुका है और साथ ही राजस्थान पुलिस की भी भर्ती निकल के सामने आ चुकी है। और ऐसी कुछ भर्तियां हैं जो राजस्थान विभाग से अच्छी भर्तियां निकल के सामने आ रही है। तो दोस्तों, इसी दौरान फिर से राजस्थान रोडवेज और ड्राइवर कंडक्टरों की भर्ती निकल के सामने फिर से आ चुकी है। तो आप अगर चाहें, अगर इसके लिए आप योग्य हैं, तो दोस्तों आप आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों, थोड़ा सा समय दीजिए, मैं आपको पूरी चीज़ें समझाऊँगा किसके ज़रिए आप आवेदन करेंगे, कब से क्या करेंगे। मैं आपको आज इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के ज़रिए ही बताने वाला हूँ आप लोग कैसे आवेदन करेंगे इस भर्ती के अंदर। तो दोस्तों, अगर आपके पास इसकी किसी अदरवाइज वेबसाइट का पता है तो आप वहाँ से भी इसके अंदर आवेदन कर सकते हैं, या फिर आप इसके अकॉर्डिंग या फिर करना चाहते हैं। जैसे राजस्थान रोडवेज के अंदर 10वीं पास मांगी जाती है, तो राज्य परिवहन विभाग के द्वारा ये नौकरी का अवसर दिया गया है RSRTC के अकॉर्डिंग, जिसमें 800 पद ड्राइवर के होंगे, यानी कि ड्राइवर कंडक्टर के होंगे, और इसके अंदर टोटल ऐसे करके 1700 पदों पे वैकेंसियां जारी होगी। तो दोस्तों, ऐसा नहीं है कि 1700 होगी, इससे अधिक पदों पे भर्ती जारी होने वाली है, इसमें ये भी बताया गया है। तो दोस्तों, इसमें आपके लिए क्वालिफिकेशन 10वीं पास के साथ ITI प्रमाण पत्र और ये चीज़ें होना ज़रूरी है, ड्राइवर लाइसेंस होना ज़रूरी है, तभी आप आवेदन कर पाएंगे। अगर दोस्तों आप इसके लिए तैयारी कर रहे हैं तो माई डियर्स, आप इसके लिए तैयारी ही करें, क्योंकि अब इस बार 100% चांस हैं वैकेंसी आने के। सरकार ने भी इसके बारे में घोषणा कर दी गई है, परिवहन मंत्री ने भी इसके बारे में बता दिया गया है। तो आप इसके लिए तैयार हो जाएं दोस्तों। RSRTC चालक विभाग की भर्तियाँ निकल के जो सामने आ रही है उसके बारे में, तो दोस्तों इसकी अभी ये सूचनाएँ हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ अपग्रेड करने के लिए वर्कर्स और ड्राइवर की भर्तियों के अकॉर्डिंग। आप इसमें आवेदन कर सकते हैं, आवेदन बहुत जल्दी शुरू होगा। अभी इसके बारे में कोई अच्छी ऑफिशियली सूचना प्राप्त नहीं हुई है, तो बस आपको इतना ध्यान रखना होगा कि इसकी भर्ती बहुत जल्दी शुरू होगी और ऐसा कहना है कि 23 जनवरी से इसकी आवेदन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों, 23 जनवरी से इसकी ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, तो आप इसमें अच्छे से आवेदन कर सकते हैं और इसके बारे में पता कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको अपडेट करने वाला हूं, बस मैं आपको यही बता रहा था कि इसके लिए तैयार हो जाएं, काफ़ी अच्छी वैकेंसी आने वाली है राजस्थान रोडवेज विभाग में। तो दोस्तों, बस आज के लिए इतना ही, फिर एक और नई भर्ती के बारे में बात करेंगे। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।